वेलकम टू माय चैनल टॉय टेक। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बेबी ट्राइसाइकिल का। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम यहाँ अक्सर नए नए टॉयज़ आपके लिए लेके आते हैं, नए नए रिव्यूज़ के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वो देखते हैं। चलिए इसको अनबॉक्स कर लिया है हमने और अब देखते हैं इसमें से। ये पहले बास्केट निकलती है और ये दूसरी बास्केट, इसमें दो बास्केट दी गई हैं जैसे हम देख पा रहे हैं। और उसमें ये हैंडल है और इसमें और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जल्दी जल्दी हम इनको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये हैंडल हैं और देख लेते हैं सारे प्रोडक्ट्स एकदम से बाहर निकाल के। और ये देखिए अब हमने सारे प्रोडक्ट्स एकदम से बाहर कर दिए हैं। अब आप देख पा रहे हैं ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं और अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये है मैनुअल और मैनुअल्स के साथ हम पूरी गाइडलाइन के साथ इसको स्टार्ट कर देंगे अभी से इसको बनाने के लिए। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसका बेस सब और इसके साथ पहला चक्का इधर एक साइड में लगाते हैं, जो उसका पहले का व्हील होता है वो इस साइड में फिट कर दिया है। दूसरा चक्का इस तरफ लगा दिया भैया इसका। इसमें सिंगल पुश बटन है, कुछ नहीं है, सिंपल आप टच करेंगे। इसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना बड़ा ईजी है, एक बटन से आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए ये तैयार हो गया है। अब इसका हैंडल का काम स्टार्ट करते हैं। हैंडल में पहले ये व्हील कवर लगेगा और इसके बाद ये हैंडल के मेन पॉइंट्स में चला जाएगा। इस तरह से हम इसको पुश करते हैं और प्रॉपर डाई लगी हुई है। ऊपर का कैप शायद हट गया है, हम दोबारा इसको इंस्टॉल कर लेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये तैयार है, ये देखिए बिल्कुल तैयार अब इस फिनिश वर्क में आ गया है। अब इसका हम हैंडल आगे का इंस्टॉल करना है। उससे पहले हमें इसमें शायद आगे का एक बास्केट है वो लगाना होगा। पहले हम बास्केट इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। वो एक बास्केट इसमें लग रही है, इस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। अब ये फिनिश हो गया है। पीछे का हैंडल हमने लगाना है। पीछे का जो हैंडल है वो इस तरह से इसमें लगेगा, आप देख सकते हैं। अब हम पीछे का इसका हैंडल लगाते हैं। इसमें क्या है कि एक लॉक दिया गया है, प्रॉपर सांचा दिया गया है, उसमें फिक्स हो जाता है। अब ये लॉक को प्रेस किया हमने और इस सांचे में हमने इसको डाल देना है तो अपने आप जाके ये लॉक हो जाएगा। जब देख लीजिए ये लॉक हो गया है, अब ये फिक्स हो गया है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। फुट रेस्ट हमने ऊपर से अब नीचे लगाने, इसमें लॉक है, लॉक खोल दिया और नीचे आ गए हैं। अब इसके बाद हम इसका मेन वायर जो हैंडल को मूव करती है पीछे के हैंडल से और आगे के हैंडल को, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है और बड़ी ध्यान से इंस्टॉल करने वाला प्रोडक्ट है ये। इसमें प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। तो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं, इसके बाद ये स्मूथली मूव कर पाएगा। ये देखिए इसमें इस तरह से इंस्टॉल होना है ये। इसमें नट थोड़ा सा अलग से साइज़ में दिया गया है, इस वजह से शायद थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अभी इसको इंस्टॉल हो जाएगा ये। अब ये देखिए हमारा आई थिंक ये इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है इंस्टॉलेशन। इसके बाद हमारा जो पार्ट रह गया है पीछे की टोकरी है, तो हम पीछे की टोकरी लगाते हैं अभी इसको मूव करके थोड़ा सा। और इसमें पीछे एक नट दिया गया है प्लास्टिक का, नट लोहे का है, ऊपर से उसके कैप नॉब दी गई है प्रॉपर प्लास्टिक की। इसको इजीली है रिमूव करना, इसको ऐसे खोल सकते हैं, इसको ऐसे हमने खोल दिया इसको। अब कैप का जो पीछे टोकरी है उसका प्रॉपर वे बना हुआ है, इसका वहीं जाके ये फिक्स हो जाएगी, सिर्फ ऊपर से आपने लॉक करना है। इसकी डाई बहुत अच्छी और अच्छा प्लास्टिक में बना हुआ इसकी टोकरी है। ये प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब है ये। अब ये इस तरह से देखिए आप फिक्स हो गया है। अब ये कंप्लीट ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब हमारी रहेगी बेल जो आगे हैंडल पे इंस्टॉल होनी है। बच्चों के लिए बेल बहुत ज़रूरी है, वो अक्सर बजाते रहते हैं और उनको काफ़ी मज़ा आता है इन चीज़ों में यूज़ करके। अब ये बेल आप देख रहे हैं, तो अभी हम इसको एक मिनट में स्क्रू ड्राइवर की मदद से इंस्टॉल हो जाएगा। ये इस तरह से इंस्टॉल हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको हमने यहाँ लॉक कर देना है तो ये इस तरह से चलता है। बेल का बटन बहुत ही अच्छा दिया गया है, ये देखिए इस तरह से। इसको किसी भी तरफ घुमा भी सकते हैं बेल को, या अंगूठे की तरफ हो जाएगा। और अब देख सकते हैं हमारी साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। पीछे का हैंडल देखिए कितना लंबा हैंडल दिया गया और कितना स्मूथली शेप दी गई है उसकी, राउंड शेप में। इस तरह से देखो पीछे से मूव कर रहे हैं और आगे से भी ये मूव हो रहा है और स्मूथली राइड। बच्चे के लिए बड़ा सेफली बनाया गया है। बेल्ट देखिए साथ में दी गई है बच्चों को बिठाने के लिए और मूव अच्छा होता है इसका। और इसमें ये देखिए काफ़ी स्मूथली राइड बच्चा कर सकता है। मजबूत प्रोडक्ट है और लंबा चलने वाला प्रोडक्ट है, बेल्ट के साथ है। और इस तरह से ये बटन पीछे आप देख सकते हैं, इसको बटन को हम यदि प्रेस करते हैं और एक ऊपर में इसके लॉक दिया गया है वो थोड़ा सा लॉक खोलते हैं इस तरह से, तो इसकी हाइट हम काफ़ी बढ़ा सकते हैं।
जैसे हम दूर से चला रहे हैं या कुछ बंदों की हाइट ज़्यादा होती है या कम होती है, तो उसी हिसाब से इसको एडजस्टमेंट करना बड़ा ही ईजी है। अब इसको हमने रोड को बाहर निकाल दिया है, अब ये काफ़ी लंबा हो गया है। ये देखिए, मैं दूर से मुझे इसका व्यू दिखाना पड़ेगा। अब ये काफ़ी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब ये फुल कंप्लीट प्रोडक्ट हो गया है। अब इसमें कुछ भी पार्ट्स पेंडिंग नहीं है। अब आप देख सकते हैं, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, सेम टू सेम ये वैसा प्रोडक्ट हमारा तैयार हुआ है। इसकी हाइट देखिए, मैं बिल्कुल सीधा खड़ा होकर आराम से इसको राइड चला सकता हूँ पीछे से और खुद हैंडलिंग कर सकता हूँ। और बच्चा इसमें आगे बैठा रहेगा, बेल्ट लगा के हम उसको बिठा सकते हैं। बच्चा बड़ा हो जाए तो बेल्ट रिमूव भी कर सकते हैं हम। और ये देखिए, मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ दोबारा। इसकी हाइट ये देखिए, ये इस तरह से ये हाइट अंदर चला गया और यहाँ से ये दोबारा लॉक हो गया। और अच्छा प्रोडक्ट है, हमें बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट। हमने और भी बहुत सारी साइकिल्स देखी और हम बेचते भी हैं साइकिल्स को, पर हमें ये प्रोडक्ट जानदार लगा क्योंकि इसमें दम है। अब आगे से इसकी लुक देखिए, कंप्लीट लुक के साथ आ गया ये। अच्छा टायर, प्लास्टिक क्वालिटी, हैंडल पे ग्रिप और सीट कवर सीट देखिए आप इसकी, प्रॉपर प्लास्टिक, अच्छा प्लास्टिक लगा हुआ है। और हैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, हैंडल में भी अच्छी ग्रिपिंग की गई है रबड़ की। और ये फ़ोटो आप देखिए, जैसा ये फ़ोटो में आप देख रहे हैं वैसा ही हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। 1.5 साल प्लस बच्चे के लिए रिकमेंडेशन इसकी दी गई है कंपनी के द्वारा। और ये पीछे सा व्हील देखिए, बिल्कुल बेस्ट फिनिशिंग के साथ दिया गया है। और इसके पीछे की टोकरी और ये हैंडल, इस तरह से मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसमें ग्रिप देखिए कितना अच्छा बना गया है, सॉफ्ट है ताकि पसीना आने के बाद हाथ ना ही फिसले, उस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। गोलाई में है। और नीचे का आप ये देखिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आगे फिर मिलते हैं